हो गया। हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अरुण शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अजातशत्रु के पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। है छोटा टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट है। यहां से जो तीन चार क्वेश्चन आते हैं वो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगा। जैसे आज का टॉपिक अपना रहेगा उदयनी। देखिए उदयन जो है हर्यक वंश का दूसरा पितृहंता कहलाता है। मैंने क्या बताया था, हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, हर्यक वंश चल रहा है अपना, तो हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। पहला पितृहंता कौन था, अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने मित्र देवदत्त के कहने पर अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। ये देवदत्त कौन था, गौतम बुद्ध का भाई था देवदत्त। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ठीक है, अब उदयन ने किसकी हत्या की, अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन किसका पुत्र था, अजातशत्रु का, और अजातशत्रु की हत्या किसने की, उदयन ने। तो ये हर्यक वंश का क्या हो गया, दूसरा पितृहंता हो गया। क्या हो गया, सेकेंड पितृहंता हो गया, कौन, उदयन। ठीक है, उदयन के तीन पुत्र थे, एक तो था अनिरुद्ध, एक तो था दोस्तों अनिरुद्ध, ठीक है, दूसरा है मुंडक और तीसरा है नागदशक। तीसरा कौन सा है, नागदशक। उदयन के कितने पुत्र थे, तीन पुत्र थे, जो क्रम से तीनों ने शासन किया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नागदशक ने उदयन की हत्या की थी, लेकिन ऑथेंटिक सत्य क्या है कि ये तीन पुत्र थे, तीनों ने क्रम से शासन किया था और अंतिम जो शासक था वो नागदशक था। अंतिम जो शासक था इस वंश का नागदशक था। नागदशक की हत्या की गई थी शिशु नाग द्वारा। या कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जनता ने नागदशक को पद से हटाकर आमात्य शिशु नाग को शासक बनाया और शिशु नाग वंश की नींव रखी। या आप कह सकते हैं नाग वंश की नींव रखी। देखिए इतिहास में हमें सभी पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए टॉपिक में मैंने क्या बताया कि भी उदयन के कितने पुत्र थे, उदयन के तीन पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। कितने पुत्र थे, अनिरुद्ध था, मुंडक था और नागदशक था। क्रम से इन्होंने शासन किया। उदयन ने एक बहुत ही शानदार नगर बसाया था जिसे कहते हैं पाटलिपुत्र। देखिए दोस्तों मगध की राजधानियां समय समय पर चेंज होती रही है। मैं आपको बता देता हूं, पहले जो भैदरथ था, पहले जो भैदरथ था तो भैदरथ की राजधानी हुआ करती थी गिरिब्रज। क्या हुआ करती थी, गिरिब्रज हुआ करती थी। और जब मगध का सम्राट आपका बिंबिसार बना तो बिंबिसार की प्रारंभिक राजधानी भी क्या थी, गिरिब्रज थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो वो आंसर होगा गिरिब्रज थी। क्या थी दोस्तों, गिरिब्रज थी। ठीक है, दूसरा जो होगा इसमें आगे जो क्या था कि जो अपना बिंबिसार था, बिंबिसार की राजधानी जो रही है, बिंबिसार ने एक नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था राजगृह। कौन से नगर की स्थापना की थी, राजगृह नगर की स्थापना की थी। देखिए आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि भी राजगृह का संस्थापक कौन था, तो राजगृह का संस्थापक था बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार। लेकिन यदि क्वेश्चन ये बन जाए कि राजगृह का वास्तुकार कौन था, क्लियर है, राजगृह का वास्तुकार कौन था, तो दोस्तों राजगृह का वास्तुकार था महागोविंद, जिस प्रकार से देखिए जयपुर की स्थापना जयसिंह के द्वारा की गई थी, लेकिन उसका वास्तुकार कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य थे, और उसके इंजीनियर कौन थे, मिर्जा इस्माइल जी थे। तो अलग अलग होते हैं भाई ये, है ना। तो बिंबिसार ने राजगृह नगर की स्थापना की, कौन से नगर की स्थापना की, राजगृह नगर की स्थापना की। और राजगृह का वास्तुकार कौन था बेटा, राजगृह का वास्तुकार था महागोविंद। कौन था, महागोविंद था। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा गौर करने की बात यहाँ पर यह है
बिंबिसार ने गरीब रज को हटाकर किसे अपनी राजधानी बना लिया, बाद में राजगृह को बना लिया। अजातशत्रु के काल में राजगृह रही, ठीक है। उदयन के काल में प्रारंभिक राजधानी क्या थी, राजगृह थी, लेकिन जैसे ही उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, उदयन ने किसकी स्थापना की, पाटलिपुत्र की स्थापना की, तो इसकी राजधानी क्या हो गई थी, पाटलिपुत्र हो गई थी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गौर करने की बात है कि मगध के शासकों के क्रम के अलावा यहाँ पर राजधानियों का क्रम भी एग्जाम में पूछा गया था एक बार दिल्ली पुलिस में कि मगध की राजधानियों का क्रम क्रम से क्या रहा। तो हम महाभारत काल से यदि बात करते तो गिरिविरज, राजगृह, उसके बाद पाटलिपुत्र, ठीक है। अब पाटलिपुत्र उदयन की राजधानी रही, नागदशक की राजधानी रही, अनिरुद्ध की राजधानी रही, मुंडक की राजधानी रही, क्लियर है। लेकिन जैसे ही जो नाग वंश का शासक आया शिशुनाग, तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी बना दिया वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी क्या बनाया था, वैशाली बनाई। शिशुनाग की राजधानी क्या थी दोस्तों, वैशाली थी, ठीक है। शिशुनाग की राजधानी क्या बनी, वैशाली। अब शिशुनाग का पुत्र था जो हुआ था कालाशोक, जिसे काकवर्ण कहते हैं। काकवर्ण ने पुनः अपनी राजधानी क्या बना ली, पाटलिपुत्र बना। तो ये राजधानी का क्रम भी आपको याद रखना है, वंश क्रम में आपको याद करवाता रहूंगा, बार बार रिपीट करते रहेंगे, ट्रिक के साथ रिपीट करते रहेंगे, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन हो गया, उदयन, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी किसने बनाया, उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था, उदयन ने। देखिए उदयन के जो काल में हिमालयी क्षेत्र से लेकर, हिमालय का क्षेत्र अपना उत्तरी भारत आ गया, और उसमें छोटा नागपुर पठार और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। और हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का सतपुड़ा की श्रेणी है, यहाँ तक मगध साम्राज्य फैल चुका था, ठीक है। तो मगध साम्राज्य का विस्तार भी जो पाटलिपुत्र राजधानी के निर्माता उदयन के शासन काल में कहां तक था, अपनी सतपुड़ा श्रेणी, और उधर देखें तो छोटा नागपुर पठार, अपना छोटा नागपुर पठार कहां तक फैला हुआ है, भाई बेसिकली छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। देखिये छोटा नागपुर पठार से क्वेश्चन भी आया था कि भारत का रूढ़ किसे कहते हैं, भारत का रूढ़, तो भारत का रूर दोस्तों छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर कोयला सर्वाधिक उत्पादित होता है, इस क्षेत्र में कोयला सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, और इस क्षेत्र से निकलने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है जिसे कहते हैं दामोदर। और दोस्तों दामोदर नदी को जीवाश्म नदी कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, जीवाश्म नदी कहा जाता है। और इसी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहते हैं। अब जैसे भारत का रूर हो गया छोटा नागपुर पठार, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए विश्व का रूर किसे कहते हैं, संसार का रूर किसे कहते हैं, तो संसार का रूर कहलाता है दोस्तों जर्मनी। संसार का रूर जर्मनी, और जर्मनी में भी यदि कोई बेसिकली बेसिन पूछा जाए, नदी बेसिन, तो राइन नदी बेसिन आंसर होगा। कौन सा होगा, राइन नदी बेसिन आंसर होगा, क्योंकि इस बेसिन में सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। और राइन नदी जो है मित्रों, राइन नदी संसार की सबसे व्यस्त नदी है। संसार का सबसे व्यस्त नदी मार्ग कौन सा है, राइन नदी मार्ग। संसार का सबसे व्यस्त नहर मार्ग कौन सा है, स्वेज नहर मार्ग। संसार की सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर कौन सी है, कील नहर। और संसार का सबसे व्यस्त समुद्रिक मार्ग पूछे तो ट्रांस ऑस्ट्रेलाइट समुद्री मार्ग है दोस्तों। कौन सा है, ट्रांस ऑस्ट्रेलाइट समुद्री मार्ग, क्लियर हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा गौर करने, हाँ चलो एक बात और क्लियर कर देते हैं कि देखिए सार बेसिन क्यों फेमस है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सार बेसिन क्यों प्रसिद्ध है। सार बेसिन कौन से देश में पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों, फ्रांस में पड़ता है, और फ्रांस में यह क्षेत्र है लौह अयस्क उत्पादक। इसके कारण से यह सार बेसिन फेमस है, क्लियर हो गया। अब देखिए उदयन ने अपनी राजधानी क्या बनाई, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र को अपनी क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र राजधानी बनाने के बाद उदयन यहां से अपना शासन प्रारंभ कर रखा था,
लेकिन इसके पुत्र नाग इन इसकी मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र अनिरुद्ध मुंडक और नागसेन ने शासन किया और नागसेन की हत्या या नागसेन को अपदस्थ कर शिशु नाग ने नाग वंश की नींव रखी थी। कौन से वंश की नींव रखी थी? नाग वंश की नींव रखी थी। देखिए शिशु नाग वंश जो है शिशु नाग वंश का संस्थापक तो शिशु नाग था, इसे नाग वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नाग वंश भी कहते हैं। और शिशु नाग ने अपनी राजधानी बनाया वैशाली को। इसका जो उत्तराधिकारी बना वो था कालाशोक, और कालाशोक को दोस्तों काकवर्ण भी कहा जाता है। ये बहुत अधिक काले रंग का था इसलिए इसे क्या कहा जाता है? काकवर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बोलिए, काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अत्यधिक काला होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? काकवर्ण भी कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है? काकवर्ण भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कालाशोक देखो, इसने तो अपनी राजधानी वैशाली बनाया, लेकिन कालाशोक जैसे ही शासक बना तो इसने पाटलिपुत्र राजधानी बना ली वापस। क्लियर है? यह है जो नाग वंश का सबसे प्रतापी शासक पूछा जाए कि नाग वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था, तो कालाशोक था। और दोस्तों कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है? दूसरी बौद्ध संगति बोले तो 383 ईस्वी पूर्व हुई। कब हुई? 383 ईस्वी पूर्व हुई। कहां हुई मित्रों? तो ये वैशाली में हुई थी। कहां हुई थी? वैशाली में हुई थी। शासक कौन था? कालाशोक। वंश कौन सा था? नाग वंश। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्षता वेरी इंपोर्टेंट, शबाकामी। शबाकामी एक संत थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लियर है? ठीक है। कालाशोक के बाद जो इस वंश का अंतिम शासक बना वो बना था नंदीवर्धन। और मित्रों नंदीवर्धन की हत्या इसके एक अनुयायी ने की थी जिसका नाम था महापद्म नंद, जो नाई जाति से था, जो मगध का पहला गैर क्षत्रिय वंश था, ठीक है? जिसे सर्वक्ष तांत्रक, दूसरा परशुराम, एक राट आदि नाम से जाना जाता है। आपके अगले जो वंश में आएंगे महापद्म नंद को, तो महापद्म नंद के बारे में हम कल विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।